फैक्टर किया था सफिशिएंट, और नहीं चाहिए। तो इसका फॉर्मूला भी 1/r अंडर रूट ऑफ LC याद कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या होती है, हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगर बहुत सारे ये आपके सामने करंट्स हैं, या मान लो बहुत सारी जो एक LCR सर्किट में आपने करंट को ड्रॉ किया, तीन तीन आपको सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं मान लो एक टीवी के या रेडियो स्टेशन को, तो उसने सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट सिग्नल है। रूल क्या बनाया था, जिसकी बैंडविड्थ कम होगी उसका करंट ज्यादा होगा, वो उसकी क्वालिटी हाई होगी। लोअर द बैंडविड्थ हायर द क्वालिटी फैक्टर, ये रूल था। तो इसकी क्वालिटी हाई, इसकी क्वालिटी लो, इसकी क्वालिटी और भी लो, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, तो कौन सा सिग्नल सेलेक्ट हो जाएगा फॉर एक्सेप्टिंग सिग्नल नंबर 1, जो किसकी क्वालिटी हाई है। तो इसलिए सेलेक्टिविटी 1 की बड़ी होगी सेलेक्टिविटी 2 से, और सेलेक्टिविटी 3 सबसे ज्यादा कम होगी। तो हायर इज दी क्वालिटी, हायर इज दी चांस ऑफ सिलेक्शन। क्लियर है यहां तक? एक ही बात है, क्वालिटी अगर ज्यादा होगी तो सेलेक्टिविटी भी ज्यादा ही होगी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है वॉटलेस करंट, इसको प्लीज 5 या 10 मिनट में करेंगे। इससे पहले पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट।